ना खाएंगे ना खाने देंगे, ये कहा है और ऐसा है, ऐसा है, लेकिन माइनिंग माफिया खा रहे हैं। अरे करेंगे, इसको भी ठीक करेंगे। सर जो आवाज उठाएगा उसके ऊपर एफआईआर लगाएंगे? कोई किसी के ऊपर एफआईआर नहीं लगाएंगे। जो जहां गड़बड़ है उस गड़बड़ को ठीक करेगी भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको ये विश्वास देता हूँ। माइनिंग के नाम पर धांधलियां की जा रही है, डीसी रियासी के कार्यकर्ती में, एसएसपी रियासी की कार्यकर्ती में, किसी को नहीं छोड़ेंगे महीने हफ्ते तक। अरे भैया किसी को नहीं छोड़ेंगे, आगे जाकर आगे 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 जाकर सब ठीक हो जाएगा, किसी को नहीं छोड़ेंगे। दो दिन पहले सुशासन दिवस के नाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कल। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि माइनिंग माफिया यहाँ पर फल फूल रहा है और किसी तरह की कोई भी कार्रवाई उन पर नहीं हो रही है। सब ठीक, सब ठीक हो जाएगा। भाजपा के नेता भी नाराज हैं, वो कहते हैं कि भाजपा की चल नहीं रही है, केंद्र में उनकी कोई सुन नहीं रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, भाजपा के लोग ठीक है, कहीं होगा उसको हम ठीक करेंगे। ना खाएंगे ना खाने देंगे, ये कहा है और ऐसा है, ऐसा है, लेकिन माइनिंग माफिया खा रहे हैं। अरे करेंगे, इसको भी ठीक करेंगे। सर जो आवाज उठाएगा उसके ऊपर एफआईआर लगाएंगे? कोई किसी के ऊपर एफआईआर नहीं लगाएंगे। जो जहां गड़बड़ है उस गड़बड़ को ठीक करेगी भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको ये विश्वास देता हूँ, उसको ठीक करेगी। सर आपकी जानकारी में है कि रेत और ज्यादा रेट लिए जा रहे हैं, सरकारी रेट इंप्लीमेंट नहीं हो रहे। रेट तो ठीक हो गए हैं, लेकिन थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन में गड़बड़ है, उसको हम ठीक करेंगे। वो नहीं जा रहे हैं, दुगने तिगने वसूले जा रहे हैं, वो सब ठीक करेंगे। हर पार्टी कुलभूषण जी चुनाव के लिए तैयारी करती है और हम भी भारतीय जनता पार्टी भी उस तैयारी के लिए अग्रसर है, सबसे आगे है। और हमारे अध्यक्ष जी ने ये कहा कि इस बार विजय हमारी होगी और हम उसके लिए पूरा तैयार हैं। अच्छी बात हुई है, रियासी के आम समाज ने, रियासी के लोगों ने स्वर्गीय ऋषि कुमार कौशल जी की प्रतिमा को अनावरण किया आज। ये बहुत बड़ी बात है। स्वर्गीय ऋषि कुमार कौशल जी रियासी की एक शान थी। स्वर्गीय ऋषि कुमार कौशल हमेशा बचपन से लेकर उनके जीवन यात्रा समाप्त होने तक उन्होंने संघर्ष किया है, अनेक संघर्ष उनके याद है। वो चाहे फूड एजिटेशन है, वो चाहे जिला की एजिटेशन है, उसको लोग याद करेंगे। और आज उनके पूरा परिवार यहाँ, तीनों बेटे, उनकी बहुएँ, उनकी लड़कियाँ और उनके भाई यहाँ आए हैं। ये एक बहुत बड़ा एक शुभ अवसर है आज का दिन। और यहाँ चौक पर जो उनकी प्रतिमा अनावरण किया गया है, ये हम सब के लिए, नौजवानों के लिए, अगली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी यादगार है। उसको देखकर वो अपने घर जाकर अपने पूर्वजों, अपने माता पिता को पूछेंगे कि कौन है ये, उसके बारे में सुनेंगे। तो एक बहुत अच्छी बात रियासी के समाज के लिए यहाँ हुई है। और मैं रियासी के उन लोगों को जिन्होंने इस प्रतिमा का सारा काम किया है, मैं उनको बधाई देता हूं, उनको धन्यवाद करता हूं। उन्होंने ऋषि कुमार कौशल जी के नाम की यहां प्रतिमा लगाई।